the shift, but I'll switch it to the beam when I'm standing on your ground. You should know to never come around my town. You're not welcome in the hood cause you a clown. I got shooters ready just to let you down. And ain't not afraid to waste a couple rounds. Burn them, burn them. Hardest money I be making, I'ma burn them. और गाइस जैसे यार मुझे ये वाली न्यूज़ पता लगी कि हाँ आईपैड मिनी 6 आया है इस बार एप्पल के इवेंट में, तो भाई मैं सबसे पहले गया और ऑर्डर करा, क्योंकि भाई वो चीज़ मतलब मुझे बहुत चाहिए थी, क्योंकि 2 साल से मैं एक आईपैड का इंतजार कर रहा था जो कि कंफर्टेबल साइज़ का हो, जो कि मतलब मेरे साइज़ का हो, मतलब मेरे साइज़ का नहीं मतलब जैसा आईपैड मैं भी यूज़ करता हूँ। आईपैड मिनी आए हुए 2 साल हो चुके हैं और भाई मैं उसे ही घिसे जा रहा हूँ, मतलब अब इसमें लैग भी होता है बहुत। और यार अगर अपने आईपैड की जनरेशन चेंज हो जाती है, अपने पास ब्रांड न्यू आईपैड मिनी 6 आ जाता है, तो क्वालिटी गेम प्ले की और इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हम उसमें अच्छे ग्राफिक्स में खेल पाएंगे और भाई लास्ट के जोन में लैग भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कस्टम्स वगैरह खेलता हूँ या और चीज़ खेलता हूँ लास्ट के जोन में भाई लैग हो पड़ता है अभी आईपैड। और यार इसका ओवरहीटिंग का इशू तो मतलब तुम मेरे से पूछो ही मत। और जो भी बंदे ये सोचते हैं कि एप्पल के डिवाइसेस लैग नहीं होते और भाई हीट नहीं होते, तो तुम ये गलत सोचते हो, एक टाइम के बाद ये भी लैग होना स्टार्ट कर देते हैं। और यार डिवाइस के बारे में तो मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब बढ़ते हैं इस गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे सामने कुछ बंदे थे, हम जॉर्ज पुल में उतरे थे, वहाँ पे तो कोई नहीं उतरा, पर यार इन बंदों के ऊपर हमने जो ग्रेनेड की बारिश कर दिया, तुम देखना अभी। और यार जब मैं उधर से ग्रेनेड फेंक रहा था भाई कोई नहीं, लिटरली मतलब कोई भी नोक नहीं हो रहा था, पर जब मैंने यहाँ पे आगे फेंका तो डायरेक्ट एक बंदा खत्म ही हो गया। और 100% ये बंदा उस लकड़ी के डब्बे के पीछे छुप रहा होगा जो इस घर में ऊपर होता है। अब सबसे पहले तुम्हारा भाई विंडो से चढ़ता है और सीधा जाता है ऊपर, क्योंकि मुझे चाहिए थी लूट। बट यार मेरा टीममेट पहले से ऑलरेडी लूट रहा था, मैंने कहा चल भाई तू भी लूट ले मैं भी लूट लेता हूँ। पर यहाँ पे साइड में कुछ बंदे थे, मैं M4 उठा के भगया एकदम दोनों में से, और यार बैरल भी मैंने नीचे ही गिरा दी थी तो इसे बैरल भी नहीं दिखी, दोनों गन मेरी होगी। अब फिलहाल सामने कुछ बंदे थे जिनको मारना था, एक बंदा ब्रोकन वॉल पे और एक 3-स्टोरी में था। और यार अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रहा था कि हाँ कोई बंदा मुझे एक अच्छा सा एंगल दे, मैं उसे डायरेक्ट नॉक दूँ, बट भाई कोई एंगल वगैरह दे ही नहीं रहा था। पर यार कोई तुम्हें पीक वगैरह ना दे ऐसा हो नहीं सकता, सामने वाले बंदों के बहुत ज़्यादा खाज होती है, तो भाई इसकी खाज मिटा दी थी। अभी फिलहाल मैंने इसे नोक कर दिया था, बारी थी इस बंदों को फिनिश करने की, पर यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने बादल बादल बना दी और एक बंदा तो अभी 3-स्टोरी में भी है। और यार ये वाले बंदे को तो मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया था, बारी थी ऊपर वाले बंदे की, पर यार ये बादल इन्होंने पता नहीं क्यों बना दिए। तो चलो सबसे पहले इसकी पेटी लूट लेते हैं, फिर चलेंगे ऊपर वाले को मारने। और यार यहाँ पे हम जैसे ही 3-स्टोरी में चढ़े, यहाँ पे मेरे टीममेट ने उस वाले बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और भाई वो डर के सीधा डायरेक्ट 3-स्टोरी से पीछे कूद गया। और यहाँ पे ये चीज मैं मानता हूँ भाई, डैमेज मेरे टीममेट का था, किल मैंने चुरा लिया यहाँ पे, और एक बंदा विंडो से मेरे टीममेट को नॉक करता है, तो सबसे पहले से रिवाइव देंगे फिर जाके उन बंदों को तो मार ही देंगे। और यार देखो ये मेरा टीममेट भी रिवाइव हो गया था, बस अब बारी थी जो मैंने बंदा नॉक करा था उसे फिनिश करने की, वो भी फिनिश हो जाएगा। और अब ये जो सामने वाला बंदा था ये भाई घूम फिर के आ जाता है अपार्टमेंट में, और यार अपार्टमेंट में तो इसके ऊपर रश करके क्या ही खत्म करा इसे। अब देखो फिलहाल यहाँ पे सारे बंदे क्लियर हो जाते हैं, तो हम गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं, और भाई गाड़ी उठा के सीधा मारते हैं स्कूल अपार्टमेंट। और यहाँ पे एक बंदे के ऊपर मैंने चढ़ा दी और एक ये घूम रहा, इस दूसरे वाले बंदे को मेरे टीममेट ने लॉक कर दिया था, तो मैंने इसे फिनिश कर दिया, पर एक बंदा साइड में था। और यार ये साइड वाले बंदे को भी मैं तुरंत फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद भाई मैंने थोड़ी सी लूट ली, इतने में ही एक बंदा भाई सामने हिल से मारने लगता है। तो अब जो है मेरा सारा का सारा ध्यान हिल वाले बंदे में चला जाता है, और इस वाले बंदे को देखना कैसे मारा। और यार यहाँ पे मैंने इस वाले बंदे को तो खत्म कर ही दिया था, बारी थी इसके टीममेट की जो कि है पता बिल्कुल मेरे सामने। और यार यहाँ पे इस वाले बंदे की भी आराम से पेटी बनाई, और इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सीधा हमने गाड़ी उठाई और भाई हम जाने लगे। अब यहाँ पे हमारे से गलती क्या होती है, हमारा एक टीममेट हमसे दूर चला गया था दूसरी गाड़ी में, और भाई पोचिंकी में जाके ठुक गया और हम अलग घूमते फिर रहे थे। अब यार तुम सबको ये चीज़ तो पता है कि अगर तुम अपने टीममेट से अलग घूमते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, वही हमारे साथ यहाँ पे हुआ। हमारा एक टीममेट मर गया और भाई हमारी गाड़ी में फ्यूल वगैरह भी खत्म हो गया था, तो हम उससे बहुत ज़्यादा दूर थे, उसे बचा भी नहीं सकते थे।
पर हाँ यार, जिस बंदे ने इसको मारा था हम उस बंदे को मार के इसका बदला जरूर ले सकते थे, तो यहाँ पे हमने वो ही करा, सीधा गए उस वाले बंदे को मारने। पर यार अब ये कैरेक्टर की मूवमेंट तुम्हें स्लो स्लो सी लगती है थोड़ी, जब से अपडेट आया भाई पता नहीं ये कैसे हाथ छोड़े करके भागता है। मतलब गेम में नई चीज़ें ऐड करो, बट यार गेम के जब मतलब एनिमेशन चेंज होता है ना तो अजीब अजीब सा लगता है। देखना ये कैसा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल हाथ छोड़े करके भागता है भाई, पता नहीं किस चीज़ की ऐंठ में आए हो। अब फिलहाल मैं यहाँ पे इधर आके टीवी भी लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास जो गाड़ी खड़ी थी मैं इसी गाड़ी में बैठता हूँ और भाई यहाँ से निकलने लगता हूँ उस बंदे की तरफ। मैंने कहा चलो गाड़ी में पुश करते हैं, पर मैंने इस गाड़ी का फ्यूल देखा ही नहीं। और यार अब जो है थोड़ी सी दूर आके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, पर बंदा मेरे सामने था और भाई गाड़ी पे ही गोली मारे जा रहा, पता नहीं क्यों पागल था। यही था क्या? और यार वो वाला बंदा तो साला हरामी, पता नहीं नूब की तरह मर जाता है, फिर उसके बाद मुझे हैकर बोलने लगता है। बोले मेरा टीममेट उससे बहुत ज़्यादा देर तक लड़ता है, पर मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसने उसे बहुत ज़्यादा माँ बहन की गाली दी थी, क्योंकि भाई वो बिना फालतू में कह रहा था कि हैकर है। मतलब नहीं भाई, कहां से लग रहा हूं मैं यार, हैकर कोई भी आके मार जाता है मुझे तो। अब फिलहाल देखो यहां पे मैंने आके सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक लगाई, और भाई एनर्जी ड्रिंक लगाने के बाद बंदे भी मिल गए मुझे नीचे। हाँ दिख रहा है, और यार देखो जो बंदा मुझे सामने दिखता है मैं उसे ही मारने जा रहा था। मेरा मेन मोटिव यही था कि इस वाले बंदे को खत्म करूं, पर पीछे से भाई एक और बंदे के फुटप्रिंट आ जाता है, तो मेरा सारा ध्यान इस वाले बंदे पे आ गया था। नीचे जाएगा तो मैं एडीएस दे देता। यहाँ पे ये वाले बंदे को मैंने नोक करा, बारी थी इसको फिनिश कर देगी, तो मैंने यहाँ पे इसे फिनिश भी कर दिया साथ के साथ, क्योंकि भाई कोई रिस्क नहीं लेने का। अब सामने एक बंदा था जिसको मारना था और मेरे टीममेट ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज दिया था। बस अब यहाँ पे मुझे एक चीज करनी थी, थोड़ा सा फ्लैंक वगैरह करना था, क्योंकि वो बंदा जो है पत्थर के पीछे था और भाई उसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, मतलब जितना तुम सोच रहे हो। पीक देगा, मौत छोड़ दूंगा सॉरी। अब यहाँ पे मैं आगे जैसे ही पढ़ता हूँ मैंने सोचा यहाँ से एंगल अच्छा बन जाएगा, पढ़ के स्प्रे दूंगा, पर भाई एंगल बना ही नहीं बिल्कुल भी। इधर गाड़ी आई है। अभी तो यार मैंने इस बंदे को भर दिया था, मतलब मैंने इसे नॉक कर दिया था, बारी थी इसको फिनिश करने की, पर एक गाड़ी यहाँ पे गोल गोल घूमे जा रही थी, पता नहीं किसकी डांस है, इसका टीममेट है किसी और का। और यार ये डासिया वाला बंदा तो मतलब रुका ही नहीं, मुझे लग रहा था ये इसी का टीममेट था पत्थर वाले का, और भाई डर के कारण बिल्कुल भी नहीं रुका, मतलब आया था एक बारी को, उसके बाद चक्कर मार के पता नहीं कहाँ पे भाग गया, तो मैंने इसका बंदा ये फिनिश कर दिया। मरने के बाद हैकर बोल रहे हैं। और जैसे ही मैं इस वाले बंदे को खत्म करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे तुमने देखा होगा एक सामने कंपाउंड पड़ता है, तो इस वाले कंपाउंड पे मैं जैसे ही आता हूँ सामने कुछ बंदे थे, मैंने नेड करना स्टार्ट करा, वो बंदा भी मेरे ऊपर नेड फेंक रहा था। और यार जैसे ही उसके नेड वगैरह खत्म होते हैं तो सबसे पहले मैं क्लोज रेंज में आता हूँ और भाई इस वाली विंडो से नेड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदे मोस्ट ऑफ द टाइम टीपीपी लेते ही रहते हैं, पर इस बारी वो यहाँ पे भी टीपीपी नहीं ले रहा था। और यार देखो अब मेरे पास ग्रेनेड वगैरह बचे नहीं थे, तो यहाँ से मैंने उठाया स्टन ग्रेनेड और भाई सीधा ऊपर डाल दिया, बीच में आ गया। और आई थिंक सो अब वो बंदा फ्लैश हो चुका था। अगर स्टन ग्रेनेड का अच्छे से यूज करा जाए तो ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, पीसी प्लेयर्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट मोबाइल में मैंने कम ही देखा है कि हाँ पबजी मोबाइल या बीजीएमआई वगैरह में लोंडे यूज कर रहे हो भाई स्टन ग्रेनेड का। यहाँ पे चलता है भाई ग्रेनेड मोली स्मोक। और यार देखो जैसे इस वाले बंदे को मारा, उसके बाद मैं आया ओपन में, यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, मैंने स्प्रे दिया, थोड़ा सा स्प्रे इधर उधर हो गया, भाई बंदा कूद रहा था क्योंकि दिख गया। अब जब मैं इस बंदे के पास जाता हूँ और ग्रेनेड वगैरह करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये बंदा कूद ही रहा था, तो मैंने कहा चलो ये मीटअप वाला है, इससे मीटअप करते हैं। है कहाँ पे? देखो इस वाले बंदे को तो मैंने पैन से पूरा फिनिश कर दिया था, और इसके पास भाई 6x 8x, मतलब क्या ही खतरनाक लूटे के घूम रहा था ये बंदा। अब बारी थी दूसरे की, एक यहाँ पड़ा था। और यार इस वाले बंदे को भी M4 से खत्म करा। अब बारी थी सिर्फ एक लास्ट वाले बंदे की, जो कि भाई बिल्कुल यहाँ पे था। देखो इसको मैंने कोशिश करी भाई ग्रेनेड क्लोज रेंज में मारने की, पर ये बंदा उठ के आ जाता है मेरे पास ही।
तो यही था भाई आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में। होप सो तुम्हें गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं तुम्हारे से किसी एक और न्यू वीडियो में किसी एक और न्यू एक्साइटिंग गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।